जो कॉन्सेप्ट है ये ना इंटायरली थ्रिलर है और ना इंटायरली एक लव स्टोरी है, ये दोनों का मिक्सचर है. आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट सो एक्सक्लूसिव. और हर आपको एपिसोड में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे. तीन लोग जो इतने स्ट्रॉन्ग किरदार में हैं अपने अपने टशन में देखने को मिलेंगे. सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना मेक हासिल कम्प्लीटली डिफरेंट शो. मेरा जो किरदार है एक लॉयर का किरदार है जो एक एनजीओ चलाती है. वो सिर्फ सही के लिए लड़ती है, उन लोगों के लिए लड़ती है जो अपना केस नहीं लड़ सकते. और उसको फ़र्क नहीं पड़ता है उसके सामने कौन है, कोई भी है, वो सच के लिए लड़ेगी और किसी से भी पंगा ले लेगी. जी अभी पता है आई थिंक सबके कोई हिडन एस्पिरेशंस होते हैं. तो अच्छा तो बहुत लगता है जब मैं वो लॉयर का रोब पहनती हूँ. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है द मोमेंट आई ड्रेस अप इन दैट लॉयर का अवतार. बट एट द सेम टाइम इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. देयर इज सो मच टॉकिंग टू डू, देयर इज सो मच क्विक थिंकिंग टू डू. यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज व्हेन यू आर अ लॉयर. क्योंकि जितनी मैंने रिसर्च की है एक लॉयर को लेकर उतना मुझे पता चला है. सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब एंड आई एम एंजॉयिंग प्लेइंग इट. वक्त तो मेरे पास था करीब एक डेढ़ महीने का टाइम. तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे देखी हैं जो मुझे थोड़ा हेल्प कर सके. उसके अलावा आई हैव ऑल्सो टेकन हेल्प फ्रॉम सम ऑफ माई लॉयर फ्रेंड्स टू काइंड ऑफ सी कि क्या एक बिहेवियरल पैटर्न रहता है कोर्ट रूम में. व्हाट इज़ द होल प्रोसीजर वंस यू गेट केसेज एंड यू गेट क्रिमिनल केसेज. अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आई हैव रिसर्च्ड ऑन. तो उतना करना पड़ा है. बाकी एज एनजीओ चलाना आई मीन आई माई सेल्फ आई एम एसोसिएटेड विद एनजीओ. सो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे. ऑफकोर्स इट्स बिन ग्रेट. जब आई रिमेम्बर हमारा पहला स्क्रीन टेस्ट हुआ था सो देर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ एंटिसिपेशन बट दैट वेंट वेल. एंड आई रिमेम्बर जब वो पहली बार आए थे तब हमें लग गया था कि ही इज़ लाइक देर इज नो बडी एल्स हू कैन प्ले रणवीर रायचंद. सो इन फैक्ट आई थिंक दिस शो हैज़ इट हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज बिकॉज वी हैव ज़ायद एंड वत्सल बोथ. एंड उनकी वजह से आई हैव गॉट टू लर्न अ लॉट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वे मोर एक्सपीरियंस. एंड बिकॉज ऑफ देम आई मीन दे बोथ ट्रीट मी लाइक अ लिटिल चाइल्ड एंड दे ऑलवेज मेकिंग लाइक प्लेइंग प्रैंक्स ऑन मी. बट बिकॉज ऑफ देम आई फील देर इज दिस वेरी नाइस एटमोसफियर दैट्स क्रिएटेड ऑन सेट एंड वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर. इस कॉन्सेप्ट में एक सबसे आई थिंक खास चीज़ ये है कि जो आजकल रेगुलर टीवी शोज़ आते हैं जब भी आप देखो तो उसमें जो लड़की होती है वो हमेशा सही चीज़ कर रही होती है. शी इज़ ऑलवेज़ राइट, शी इज़ नेवर रॉन्ग, शी इज़ ऑलवेज़ द बिचारी. हियर यू विल नेवर फील दैट शी इज़ अ बिचारी. आपको आजकल के लिए कभी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि इसके साथ सिंपथी दिखानी है. यू विल ऑलवेज़ फील लाइक नो गर्ल यू गॉट द पावर गो गेट देम. दैट्स द फीलिंग यू गेट व्हेन यू लुक एट आजकल. सो आई लव दैट थिंग अबाउट हर. आई मीन आई फील वी कीप टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट बट देर इज़ नथिंग. दिस इज़ ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट वेर यू डोंट टॉक अबाउट इट एंड इट्स नेचुरली देयर. I'm just going to say guys, you all have supported me so much with my earlier shows. I just hope aap wahi pyar is show ko bhi de sake. Thank you so much. ye ek love triangle hai but it's not a usual love triangle. Like how do I explain, like for example Sajan was a great love triangle but this is a thriller. So more than a love triangle it's a thriller. There are lots of twists and turns. Jaise दानिश सर ने ऊपर कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि इट्स फास्ट पेस, इट्स क्विक, दे नो व्हाट्स गोना हैपन इन एवरी एपिसोड. देयर इज लाइक अ हाई पॉइंट इन एवरी एपिसोड एंड वी इट्स अ फाइनाइट वन. सो दोज आर द थिंग्स विच विल ड्राइव द शो एंड दीज आर द यू नो की एस्पेक्ट्स ऑफ द शो. ऑफकोर्स ये नेगेटिव नहीं है. लोग मुझे पूछते हैं अगर फापस कर रहा है ऐसे. नहीं, ये नेगेटिव नहीं है. ये एक यंग लड़का है, बड़ा इम्पल्सिव है, चीज़ें करता है फिर बोलता है यार ये क्यों किया क्या. सो इट्स अबाउट दैट एंड ही इज़ अ वेरी क्लीन गाय, क्लीन फ्रॉम हार्ट, नाइस बॉय बट ही इज़ नॉटी. जी हाँ जी, बहुत मज़ा आया. यू नो जायद ही इज़ ऑन स्क्रीन ब्रदर एंड नाउ इज़ माई ऑफ स्क्रीन ब्रदर. इट्स बीन ग्रेट फन शूटिंग विद जायद. जब हम सीन साथ में करते हैं बड़ा मज़ा आता है. यू नो वी बोथ इम्प्रोवाइज एंड आई मीन इट्स ग्रेट. आई एम सो हैप्पी दैट आई एम यू नो आई एम पार्ट ऑफ शो विद ज़ायद, आल्सो पार्ट ऑफ द शो. अच्छा
अच्छा वो करना पड़ता है यू नो टू कीप कीप इट गोइंग वी डू दैट बट दे आर वेरी इजी चिल्ड आउट प्लान जैसे भूत भूत आ गया ये आ गया उसको भूत से बहुत डर लगता है तो हम हमेशा भूत बुलाते हैं जी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आई नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड ऑल्सो आई लाइक टू ब्रिंग इन न्यू एलिमेंट्स टू माई कैरेक्टर एंड करंट एलिमेंट्स जैसे कोई भी आप किरदार देखो जैसे एक हसीना थी मैंने सेल्फी यूज़ किया था बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो करंट थी वो यूज़ किया था इसमें यू नो आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन सो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई कैन गिव यू इज़ दैट आई हैव यूज्ड फिजिट स्पिनर जो आजकल बड़ा फैशन में है So I want to bring in small elements to my character which makes it a little more interesting and more current. जी दोनों दिखते सेम हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अलग हैं वो कबीर रायचंद बहुत ही इंटरेस्टिंग है इम्पल्सिव है ब्रैट है रियल लाइफ में मैं इंट्रोवर्ट हूँ इन वन लाइन मैं बहुत बोरिंग हूँ जैसे आपने सुना इस स्टोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आई हैव हर्ड वेरी फास्ट पेस्ड सो आई थिंक स्टोरी इज़ द मेन थिंग अबाउट द शो हासिल सच में बताऊँ ये रोमांटिक थ्रिलर है बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखी है और हम लोग यू नो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम एक ऐसे शो बनाएं जो कभी टेलीविजन पे कभी देखा नहीं पहले और दिखा नहीं पहले कि यू नो हम लोग फिल्म सामान शूट कर रहे हैं इट्स एन ऑन लोकेशन बेस्ड शूट तो ये भी नहीं है कि यू नो हर दिन हम लोग यू नो एक सेट पे आ रहे हैं और वही वाले शॉट्स हैं और वही वाला ड्रामा है जैसे कि आपको नज़र ही आ रहा है आप प्रोमोस के ज़रिए और जिस तरह से हम शूट कर रहे हैं काफ़ी टैक्सिंग है क्योंकि यू नो हमें हर रोज़ 15 मिनट का शूटिंग करना पड़ता है स्क्रीन टाइम और लेकिन जब तक जान है और जब तक मोटिवेशन है और अंदर में वो एक यू नो एक जुनून है कि ये हम हासिल करके रखेंगे यू नो तो आई थिंक कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है देखिए जहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ मैं एक जर्नी फिर से शुरू कर रहा हूँ शायद वो टीवी पे होगा शायद वो डिजिटल पे होगा शायद वो फिल्म पे होगा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं अपने फैंस और जो लोग हैं वहाँ पे उनका प्यार और उनका भरोसा जीतना है मुझे जो शायद मैं गवा गया हूँ पिछले पाँच साल क्योंकि मैं नई कोई पिक्चर नहीं कर रहा था या जो भी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और बाकी मैं बाद में सोचूंगा क्योंकि अभी मेरा फोकस सिर्फ हासिल पे है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर खेल के रणवीर रायचंद जो कि एक बहुत ही बिजनेस टाइकून है एक किस्म का धर्मात्मा है लेकिन यू नो ज़िंदगी में कोई अच्छा बुरा के चॉइसेस हमेशा नहीं होते कभी कभी दो ईविल चॉइसेस हैं आपको दो ईविल चॉइसेस के बीच में सोचना पड़ता है कि यार कौन सी ईविल करूँ ये ईविल करूँ या ये ईविल करूँ और ये उस किस्म का कैरेक्टर है जो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करता है हर चीज़ को सेट करके रखता है और अपने दाएँ हाथ को और बाएँ हाथ को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है यू नो तो ये उस किस्म का कैरेक्टर okay, आप कितना रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि एज यू ग्रो ओल्डर आपको ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स कम करना है और ग्रे कैरेक्टर्स ज़्यादा क्योंकि आप उस हैसियत से बड़े हो गए और उस किस्म की एक्सपीरियंसेस आ गए हैं कि हर चीज़ गुड और बैड नहीं होता है उसके बीच में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं बहुत सारे कलर्स हैं और उसको एक्सप्लोर करना ना सिर्फ एक इंसान के तौर पर बट एक एक्टर के तौर पर बहुत मज़ा आता है एक्टर का यही मतलब एडवांटेज है कि वो एक पर्दे पे दिखा सकता है कि कैसे एक्सप्लोर किया बाकी सबको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास तो सिद्धार्थ ने मुझे फ़ोन किया एक यू नो सर एक स्क्रिप्ट है सोचो पढ़ो तो मैंने बोला हाँ भाई मैं ज़रूर यू नो आपके लिए है तो मैं काम करूँगा लेकिन जब वो बोला टेलीविज़न तो मैं भी चौंक गया मैं बोला टेलीविज़न शेट ओके ठीक है तो उसने बोला तू सुन ले पहले सुनने के बाद यही मेरा सवाल था कि यार तू बना पाएगा टेलीविज़न के लिए क्योंकि पिक्चर सामान है यू नो कैसे बन पाएगा ये यू नो तो इसने बोला ये तेरे ऊपर है सर मेरे ऊपर कैसे तू जितना सैक्रिफाइस करेगा उतना ही बेहतर बनेगा
तो मैं बोला मैं तो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू प्रॉमिस कर जो लिखा है तू वो बनाएगा. और यकीनन उसने बनाया, उसने उसके 100% ज़्यादा बेहतर बनाया. तो ये एक कला है प्रोड्यूस करने का. और मैं सोनी टीवी को भी काफ़ी यू नो कुडोस देना चाहता हूँ कि यू नो उसने हाथ डाला इसके पीछे और बिलीव किया कि ऐसे कुछ बन भी सकता है. और ऐसी डिसीजंस कुछ बनाने के बाद कुछ अच्छा बनता है और कुछ नया आता है और कुछ नया देखने मिलता है. तो या ओके, कितने एपिसोड्स होंगे इसमें, क्या रहेगा इसका स्क्रिप्ट? मुझे पता नहीं कितने एग्जैक्ट एपिसोड्स रहेंगे, लेकिन लगभग 130-150.